अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू शेख्स फैम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम खाना खाने जा रहे हैं कराची क्लब। रास्ते में हमने रहमत शीरी से एक केक भी लेना है। रहमत शीरी कराची की अपनी बेकरी है, ये बाकी सिटीज़ में नहीं है, लाहौर में है शायद इनके एक ब्रांच, बाकी कराची की ये बेकरी है। और इनके केक सुना बहुत मज़े के होते हैं, तो वहाँ से केक लेंगे, फिर उसके बाद हम कराची क्लब। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अब जल्दी से चलते हैं। यार ये हमने रहमत शीनी से केक लिया और सुना है बहुत अच्छा केक होता है। ये अभी हम क्लिफ्टन से गुजरे हैं, ये कराची का सबसे मशहूर इलाका है क्लिफ्टन जी। हम बाहर आ गए हैं कराची क्लब के, यहाँ से एंटर होते हैं। हम कराची क्लब आ गए हैं, अंदर चलते हैं। आप यार स्टार्टर में हमारे पास सूप है और बहुत मज़े का सूप है। मेन कोर्स में हमारे पास एक फ्राइड राइस है, साथ उसकी ग्रेवी है, बारबेक्यू और साथ बड़ी मज़े की हांडी थी। यार खाने के बाद अब हमने स्वीट डिश में कुल्फ़ी मंगवाई है, अब ये खाते हैं। यार अगर इनका मैं आपको टूर दूं तो ये सामने सिटिंग है इनकी और इसके सामने सी है, और उसके अलावा अगर हम देखें ये व्यू जो है ना कमाल ये। अच्छा हाँ एक बात आपको बताता हूँ, ये सामने पोर्ट ग्रैंड है, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये पोर्ट ग्रैंड है। ये पोर्ट ग्रैंड के पास ही है कराची क्लब और ये इनकी सारी बाहर की सेटिंग है, अंदर भी आपको दिखाता हूँ सारा। जो मेन कराची क्लब है ना वो इसके पीछे है, ये कराची अनेक्सी कहते हैं इसको, कराची क्लब अनेक्सी। ये इन्होंने एक रिसेप्शन बनाई हुई है सारी, ये इनका सारा रेस्टोरेंट है अंदर, बड़ा प्यारा एम्बियांस है और बड़ी अच्छा खाना है इनका, बहुत अच्छी डिशेस है। सो यार अब यहाँ से निकल गए हैं, हम जा रहे हैं सी व्यू। सी व्यू जाके थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे, कल हम पोर्ट ग्रैंड भी जाके वहाँ पे बैठ गए थे, बड़ा अच्छा लगा था वहाँ पे बैठ के, तो अब हम दोबारा सी व्यू जा रहे हैं। यार सी व्यू पे पहुँच गए हैं, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह तो बहुत कम है, मैं आगे जाके फ्लैश ऑन करके, अभी भी मैं आपको फ्लैश ऑन करके दिखा रहा हूँ, आगे जाके दिखाता हूँ दो तीन मोबाइलों से लाइट मार के। बड़ी अच्छी हवा है यहाँ पे सी व्यू की और बड़ा मज़ा आ रहा है सी व्यू में, ठंडी ठंडी हवा है। कराची का सुबह मौसम जो था ना वो इतना गर्म था कि ऐसे लग रहा था कि हम पसीने में नहा रहे हैं, यहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इनकी गर्मी ऐसी है, लेकिन सी व्यू पे आके बंदे को सुकून मिल जाता है। बीच पे आ गए हैं, आपको नीचे सैंड नज़र आ रही होगी, बहुत मज़े का मौसम है यार। लोगों ने कराची को ऐसे ही कहा है कि बहुत गंदा शहर है, बहुत गंद है, गंद है कुछ कुछ इलाकों में गंद है, लेकिन ये जो कराची का समुंदर, कराची की हवाएं, ये इनको लाहौर कोई भी नहीं काट सकता। माउंटेन्स की अलग बात है, वहाँ के अपने व्यूज़ होते हैं, लेकिन सी को अगर आपने इंजॉय करना है तो कराची बेस्ट है जी। सारा सी व्यू नीच है और ये है सारा सी वेव्स, आपको नज़र आ रही होंगी, मैंने साथ दूसरे फ़ोन की भी लाइट ऑन की हुई है। बहुत कमाल का व्यू है इस टाइम, तो एक तो रश नहीं होता और बड़ा मज़ा आता है इस टाइम बंदा है। दिन को भी हम आएंगे, हमने यहाँ पे एक्टिविटीज़ करनी है, यहाँ पे बाइक वगैरह चलवाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ये ओ हो हाय 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 यार मज़ा आ गया, इतनी तेज़ वेव आई है ये वाली। तो अभी यार यहाँ पे बेंच पे आके बैठ गए हैं और ये समुंदर, ये जी हेलीकॉप्टर है प्लास्टिक से बना हुआ, ये पाकिस्तानी हुई ईजाद है, ये सारे बने हुए पड़े हुए हैं और ये भाई ये उड़ा रहे हैं, मैं भी आके उड़ाता हूँ। ये हमने 8-10 लिए हैं और मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे काफी देर बैठे रहे हैं, तकरीबन 1-1.5 घंटा यहाँ पे बैठे रहे हैं, अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये है जी तीन तलवार चौरंगी, कराची में बहुत फेमस है ये।
सो यार होटल हम आ गए हैं और इस वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।